के चिन्नास्वामी स्टेडियम में चेन्नई और बेंगलोर के बीच में जो मैच हुआ था, उसके बाद हम फिर से इन दोनों फैंस के पास आए हैं। हम जानना चाहेंगे कि इनकी टीमें किस तरह से परफॉर्म की है। चेन्नई सुपर किंग्स क्या कहेंगे, आपकी टीम किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर पाई कल? जी, हमारी टीम ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, पर ये दुख की बात है कि ऋतुराज गायकवाड़ जो अच्छे फॉर्म में चल रहे थे वो अच्छा नहीं खेल पाए। कोई कारण हो सकता है उनके बैटिंग में। और शिवम दुबे ने भी मिडल ऑर्डर में कुछ बैटिंग नहीं कर पाए और वो बस 15 बॉल में 7-8 रन बना के चलते बने। जी आप क्या कहेंगे, बेंगलोर आपकी टीम ने कैसा परफॉर्मेंस किया कल? देखिए, आरसीबी के बैटिंग तो बहुत अच्छी हुई इस बार। आरसीबी अपने बैटिंग के दम पे जीती कल का मैच, क्योंकि आरसीबी का स्कोर 9 ओवर में लगभग 70 का था और उसके बाद आरसीबी ने 219 रन मार दिए। तो ये अच्छी बात है कि आरसीबी के बैटर अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। धोनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आयुष? जी, धोनी अच्छा, उन्होंने कमबैक किया। उन्होंने लास्ट ओवर में एक सिक्स मार दिया जिससे हमें लगा कि सीएसके जीत सकती है। 110 मीटर का वो छक्का था, बहुत लंबा, इस आईपीएल का सबसे लंबा। ऐसा लग रहा था कि 5 बॉल में 11 रन बन जाएंगे, पर ऐसा हो ना सका क्योंकि धोनी अगली बॉल में आउट हो गए। ओके, चेन्नई सुपर किंग्स क्या आप यहाँ से निराश हैं या कुछ और भी उम्मीद है आपके पास? जी, निराश तो नहीं है, क्योंकि एक बात पे निराश होने का चिंता है, क्योंकि धोनी का शायद ये लास्ट आईपीएल हो। क्या पता वो अगला आईपीएल खेल पाए कि नहीं खेल पाए। अगर वो रिटायरमेंट ले रहे हैं तो बहुत दुख की बात है कि हमारा एक अच्छा जो गाइडेंस जो हमें करता है हर कीपिंग में और फील्डिंग में, वो एक चला जाएगा हमारा। कल के नॉकआउट मैच में चेन्नई सुपर किंग्स मैच हार चुकी है, तो कितना फर्क पड़ेगा आगे के सफर में अपना चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, क्या कहेंगे आयुष? चेन्नई सुपर किंग्स अभी प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। अगले साल और ट्राई कर सकते हैं कि हम प्लेऑफ में जाएं, पर इस साल का हमारा अभी प्लेऑफ में जाने का सफर खत्म है। बेंगलोर की तरफ से आप क्या कहेंगे, कल के मैच के बाद आगे का सफर आपका कैसा रहेगा? देखिए, आरसीबी ने कल का मैच जीता तो आरसीबी अभी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। सीएसके को हरा के आरसीबी अभी चौथे नंबर पे क्वालिफाई कर चुकी है। ओके, बेंगलोर से मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगा कि क्या आप कोहली के फैन हैं, तो कोहली आपका कैसा प्रदर्शन किए हैं उस मैच में? देखिए, कोहली तो अच्छा खेले। जैसे कि बारिश हो गया था मैच में 3 ओवर के बाद, तो कवर्स आ गया और ये सब बारिश वारिश होने के चक्कर में फिर थोड़ा मोमेंटम जो है वो डाउन हो गया था आरसीबी का। फिर आरसीबी जब वापस बैटिंग करने आई तो 3 ओवर के बाद तो स्पिन ज़्यादा हो रहा था बॉल, तो उसके वजह से बैटिंग थोड़ा सा स्लो हो गया था। बहुत बढ़िया, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे की जो मैच है उसमें मैं उम्मीद करूंगा कि जो बेंगलोर है वो ट्रॉफी जीते। थैंक यू सो मच।